हेलो स्विमर्स, तो आज हम इस वीडियो में फ्लोटिंग को सीखेंगे। फ्लोटिंग के वैसे तो मेरे ख्याल से दो या तीन वीडियो मैंने पहले भी डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा उसमें कुछ नई चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करके आपको फ्लोटिंग सिखाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, फ्लोटिंग का पहला पॉइंट तो होता है कि आप जब ब्रीथ इन करते हैं तो आपके लंग्स में एयर भर जाती है, तो वही एयर आपको सपोर्ट करती है फ्लोट करने के लिए। ठीक है, वही एयर आपको ऊपर उठाती है। अगर आपके लंग्स में आप जब एयर रिलीज़ कर देंगे तो आपकी बॉडी डाउन हो जाएगी। जैसे आप देखिए, मैं अभी एयर अपने लंग्स में भरूंगा तो मेरी बॉडी ऊपर रहेगी, जैसे मैं उसको रिलीज़ कर दूंगा तो मैं धीरे धीरे मेरी बॉडी नीचे चली जाएगी। देखिए, बेसिकली जब मैं लंग्स में एयर इन करूँगा तो मेरी बॉडी ऊपर रहेगी, जब मैं आउट कर दूंगा एक्सहेल कर दूंगा तब मेरी बॉडी डीप मतलब सिंक हो जाएगी। तो यही फ्लोटिंग का मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक साइंस चलती क्या है इसमें। ठीक है, देखिए, तो ये आपने देखा, जब मैं इनहेल किया तो मेरी बॉडी ऊपर थी, मेरा स्टमक और मेरा चेस्ट का पार्ट ऊपर था पानी के। तो जैसे ही मैंने एक्सहेल कर दिया तो मेरी बॉडी कैसे एकदम धीमे 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 नीचे सिंक हो गई। तो ये पहला साइंस था, मतलब पहले ये इसकी बेसिक डेफिनेशन एक तरह से थी कि होता क्या है फ्लोटिंग में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो अभी आपने देखा फ्लोटिंग की डेफिनेशन, प्रैक्टिकली मैंने बताई आपको डेफिनेशन, जैसे आपने रीड किया होगा कि डेफिनेशन होती क्या है कि बॉयंट फोर्स लगता है, बॉयंसी उसमें यूज़ होती है फोर्स, तो वो सब तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, लेकिन मैंने आपको एक प्रैक्टिकली डेफिनेशन आपको बताई कि एक्चुअली में फ्लोटिंग होती क्या है। तो उसको सीखने के लिए देखिए, पहला तो है आपको ब्रीथ अपनी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसको क्या करना है, आपको जैसे स्टेयर्स है या वॉल है, वॉल पकड़ के आप जिस तरह बबल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, अंदर जाकर ब्रीथ आउट करते हैं। तो आप क्या करिए, ब्रीथ इन करिए लेकिन ब्रीथ आउट 5 सेकंड बाद करिए, इस तरह। ठीक है, फिर इसको इस तरह 5 सेकंड किया, फिर अगली बार 7 सेकंड करिए, फिर 10 सेकंड करिए। तो इससे आपके लंग्स थोड़ा मजबूत हो जाएंगे। तो जब मजबूत हो जाएंगे, मान लीजिए 2-3 दिन आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली कि आप क्या अब आप ब्रीथ 30 सेकंड्स तक होल्ड कर ले जा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, स्टेयर्स या वॉल, चलिए मैं मानता हूँ कि अगर ये आपके स्टेयर नहीं होगी आपके स्विमिंग पूल पे, तो आप जैसे वॉल है तो वॉल के सहारे अपनी बॉडी, जैसे वॉल ऊपर है आप पकड़ के बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए और ब्रीथ इन करिए, मतलब लंग्स में अपने एयर भरिए। ठीक है, और अपनी बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए इस तरह। ठीक है, आप इस तरह करिए, काफ़ी बार करिए, अगर स्टेयर्स है तो स्टेयर्स में इस तरह करिए। ठीक है, तो इससे आपको एक फील मिलने लगेगा, जब वाटर सरफेस आपके ऊपर आ जाए, मतलब आपका बॉडी वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगी तो आपको फील मिलने लगेगा कि हाँ फ्लोटिंग एक्चुअल में होती किस तरह है।